अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था मैंने क्या क्या तैयारी की है, मेरे इन-लॉज आने वाले हैं इसके लिए पता, तो मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, मैंने बोला था, लेकिन मैंने आपके साथ सारी चीज़ें नहीं शेयर की। तो मैंने सोचा चलो अभी जो भी मैं कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने बेड खींची, वो एक्चुअली ये बेड है ना, मैंने रमज़ान के टाइम पे नहीं खींची थी, मुझे खींच के मतलब पूरा साफ़ करना था, तो देखिए कितना ज़्यादा गंदा हुआ था और जैन के खिलौने भी सारे गिरे थे। तो सुमंगला ने और मैंने ना पूरा सारा क्लीनिंग करके ले लिया, इधर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। और ये डस्ट वाला जो काम है ना उसमें सलमान मेरी हेल्प नहीं कर पाते, तो मुझे सुमंगला को ही लेना पड़ता है। सलमान को होती है एलर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा फिर उनको छींक वगैरह आती है, इसके लिए ना मैं और सुमंगला ही करते। तो मैंने हाथ बराबर है ना बेडशीट भी निकाल के ले ली, और फिर जो भी चीज़ें बची थी क्लीनिंग की वो मैं कर रही हूँ। सारे पंखे भी, अभी गर्मी इतनी है ना तो पंखे भी जल्दी जल्दी ख़राब हो रहे हैं, फिर सारे लाइट्स के ऊपर भी इतनी ज़्यादा धूल, मतलब लाइट का उजाला ही नहीं आता, इतनी ज़्यादा धूल। और मुझे याद है यहाँ पे ना विंटर में, मतलब ठंडी के दिनों में हम पंखा मतलब बिल्कुल भी नहीं लगाते ना, तो मैं 6-6, 7-7 महीना पंखा पोछना भी नहीं पड़ता, और अभी समर में कंटिन्यू पोछना पड़ता है हर 15 दिन में। तो मेरा जो भी घर में बचा था ना मैंने सारा क्लीन किया, सारे बटन पंखे सब कुछ हो गया। तो मेरा फाइनल ना क्लीनिंग का ख़त्म हुआ, और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट वेजिटेबल्स वगैरह लाने के लिए। तो सबसे पहले ना मैंने सोची थी पहले कांदे बटाटे लूँगी, उसके बाद वेजिटेबल लूँगी। कांदा बटाटा अभी घर में पूरा ख़त्म हुआ था, और मेरा ऐसा था कि मैं ज़्यादा लेकर आऊँगी, एटलीस्ट 1-2 वीक तो भी चले। तो यहाँ पे पार्किंग के इतने मसले थे ना, तो एक जगह गाड़ी पार्क किया, सलमान बोले मैं वॉक करके जाता हूँ और मैं लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग जाओ चाय वाय पियो, नाश्ता विश्ता करना है तो करो। तो मैंने सोची जैन को है ना बिस्किट खिलाती, शाम का टाइम हुआ था उसका नाश्ते का, और फिर वहाँ पे ना गरम गरम इडली और मेंदू वड़ा भी था, तो मैंने वो भी ऑर्डर किया, क्योंकि दोपहर में ना मैं सही से खाना ही नहीं खा पाई थी, मतलब इतना मेरे को मतलब थोड़ी सी पैनिक हो गई थी कि ये भी करना है वो भी करना है, वो लोग आ जाएंगे कल, तो शाम को मुझे लगी थी भूख। तो वहाँ से फिर हम लोग ने फ्रूट्स वगैरह लिए, बनिया की दुकान से गेहूँ लिए, चावल की भी एक गोनी लिए। फिर यहाँ पे है ना जहाँ पे गेहूँ पीसाते वहाँ पे ना ये लोग इडली का भी आटा पीस के देते, तो यहाँ पे ऐसे लोग डब्बा टोप वगैरह लेकर आते, आधा किलो से मतलब मिनिमम आधा किलो देना पड़ता है। तो मुंबई में ना ऐसा मैंने देखी नहीं हो ज़्यादा कि घर से ऐसे पीसने के लिए लेकर आते। फिर वेजिटेबल लेकर लेने के लिए आई सुपरमार्केट में, तो कुछ भी नहीं मिला, इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो गया। मैंने सोचा मैं नहीं भी गई होती ना तो भी चला होता, क्योंकि चावल कांदा बटाटा वो सब तो सलमान को समझता है लेने का, वेजिटेबल में उतना उनको समझता नहीं, इसके लिए मैं साथ में गई थी। और फ्रिज में तो ऑलरेडी मैंगो से इन्होंने ना सलमान ने पूरा फ्रिज ही भर दिए थे, मतलब भाजी रखने को जगह नहीं थी। बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज लेकर आए, तो जो कुछ भी मैं लेकर आई हूँ ना मैं अभी फटाफट लगा के ले रही हूँ। तो मैंने मतलब ये नींबू सलमान को बोले आप लो, तो इन्होंने इतने लिए, बोल रहे नहीं गर्मी है ना तो नींबू ज़्यादा लेता हूँ। और फिर सैलेड की चीज़ें मिली, ककड़ी गाजर और फिर टमाटर मिले तो वो लेकर आई। तो मैंने सोचा हाथ बराबर अभी बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, तो नेक्स्ट डे मुझे कुकिंग वगैरह भी करना है, तो रात को ही मैंने बेडशीट वगैरह बिछा के रखी क्योंकि नेक्स्ट डे तो लोग आने ही वाले थे। तो सलमान बोले मैं कांदे मतलब अच्छे वाले और जो थोड़े बहुत रहते ना वो सब मैं क्लीन करके रखता हूँ। तो ये हुआ है नेक्स्ट डे, सलमान डैडी के लिए पाए लेकर आए उनको सूप वगैरह बनाने के लिए, और हमको एटलीस्ट 2-3 दिन चले इतना चिकन लेकर आए। तो वही मैं है ना उसका पार्टीशन करके रख रही हूँ। तो वैसे आज भी मैं बनाने वाली थी चिकन का सूखा मसाला और चावल, तो आज के लिए मैंने निकाल के लिए परात में, और बाकी का सब मैंने हम लोग के हिसाब से ऐसा पार्टीशन करके रखी। तो मतलब जिस दिन मुझे बनाने का रहेगा उस दिन मैं वैसा वैसा डब्बा निकाल के बनाऊँगी। और फिर मैं एक दिन पहले हमको भाजी मिली नहीं थी, तो सलमान को बोले आप भाजी भी लेकर आओ, तो उन्होंने लाए थे भिंडी बीन्स कैप्सिकम, फिर हरी मिर्च नहीं थी, फिर डैडी के लिए मैंने बोली थी करेला लेकर आओ, तो सब एक साथ दिए थे ना, तो मैंने अलग अलग करके ना मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और ये मेरी सूखे मसाले की सारा प्रिपरेशन हो गया है, कांदा वगैरह कट किया है, यहाँ से 12-13 बड़े कांदे मोहम्मद हुसैन के लिए मैं थोड़ा सा हरा सालन बनाऊँगी, उसके लिए मैंने खोबरा वगैरह सब कट करके रखी हूँ, वो तीखा बिल्कुल खाता नहीं है, और चिकन वगैरह भी मैंने साफ़ करके ली हूँ। तो ये जो मसाले की रेसिपी है ना मैंने आपके साथ शेयर की थी, बस दो मुझे लगता है एक व्लॉग से पहले मेरा दो व्लॉग से पहले मेरा वो व्लॉग था चिकन का सूखा मसाला, वैसे ही मैं बना रही हूँ, बस ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो ये रेसिपी ना मैं एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि वो वाला व्लॉग मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, अगर जिसने नहीं देखा रहेगा तो ये रेसिपी मैं इसमें शेयर कर रही हूँ।
तो तेल में ना मैंने एक चक्री फूल, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, काली मिर्ची और थोड़ा सा ज़ीरा और एक तेज पत्ता डाल के तेल में मैंने ना 12 से 13 कांदे कट करके डाली हो, स्लाइसर पे काटी थी। और आज मैं आलू डाल रही हूँ, भाई लोग को सबको आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कांदा फ्राई हो रहा है ना तब तक यहाँ पे मैंने कारपेट है ना पूरा सर्व का पानी डाल के भीगते रखी हूँ। तो कांदा फ्राई हो रहा है तब तक यहाँ पे खोबरे का मसाला बना के ले रही हूँ। तो पहला थोड़ा खोबरा मेरे पास पीसा हुआ था और ये टोटल मैंने ना 3 से 3.5 चम्मच भर के ये खोबरे का जो मैंने पाउडर बना के रखी थी वो ली हूँ। उसमें मैंने 9-10 लहसुन की कलियाँ और इसमें मैं तीखा जितना भी मुझे लगेगा वो मैं सारा तीखा इसमें पीसने वाली हूँ। तो इसमें ना मैं 1 ही चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसमें आप सारे ड्राई स्पाइसेस डाल के भी पीस सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ। उसके बाद ना मैं आ गई थी कारपेट धोने के लिए और मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, देखो इतना ज़्यादा गंदा होता है कारपेट, पूरा काला काला पानी निकलता है क्योंकि दिन भर जैन और हम लोग सब कारपेट पे ही खाना पीना, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। तो मेरा कारपेट धो के हो गया और ऐसे पानी निथरने के लिए ना मैं स्टूल पे रख देती हूँ उसको। मेरा कारपेट धोने तक यहाँ पे ना कांदा भी अच्छे से फ्राई हो गया था और मैं बीच बीच में आ रही थी कांदा हिलाने के लिए। तो मैं अभी ना डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। अभी उसको ना पूरा रॉ स्मेल जाने तक अच्छे से भून के लेंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे ना 4 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने बारीक चॉप करके ली थी। अभी टमाटर को है ना ढक्कन डाल के स्लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। तो देखो टमाटर है ना नरम हो गया था 5 से 6 मिनट में स्लो फ्लेम पर। अभी इसमें हम डालेंगे चिकन। तो चिकन डालने के बाद है ना अभी अच्छे से चिकन को मसाले में अच्छे से फ्राई करके लेंगे अच्छा कलर चेंज होने तक। तो कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अभी मैं सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। थोड़ी हल्दी मैंने पीसते हुए डाली थी खोबरा पीसते टाइम। अभी मैं यहाँ पे बची हुई डाल रही हूँ, मतलब टोटल मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाली हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। तो ये सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। और उसके बाद जो खोबरे का जो मसाला था वो भी मैंने ऐड किया था और ऊपर मैं परात में पानी रख रही हूँ। अभी मसाले को ना स्लो फ्लेम पे भाप में ही पकने देंगे। तो यहाँ पे तब तक मैं मोहम्मद हुसैन के लिए जो सालन बनाने वाली थी ना उसका मसाला पीस के ले रही हूँ। तो थोड़ा सा गीला खोबरा मैंने ली थी वो पीस के ली, एक छोटा सा कांदा, 1/2 टमाटर और हरा धनिया। और वो मिर्ची बिल्कुल नहीं खाता तो बिल्कुल नहीं डाली हूँ मिर्ची। अभी तेल में थोड़ा सा अदरक लहसुन डाली हूँ और जो मसाला पीस के लिया था वो डालना है। अभी मसाले को ना स्लो फ्लेम पे अच्छा तेल छूटने तक पकने देंगे क्योंकि कोई भी चीज़ भून के नहीं लिए थे, कच्ची थी। तो अब मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ और स्लो फ्लेम पे ना अभी इसको पकने देंगे। फिर बाद में चिकन वगैरह ऐड करके फिर से भून के लेंगे मसाले को। तो तब तक यहाँ पे बीच बीच में मैं सैलड बना के ले रही थी। और आज ना खाना मैं थोड़ा लेट बना रही क्योंकि वो लोग रात को आएंगे ना, तो वैसे भी मैं बाकी के भी सारे काम कर रही थी तो बहुत जल्दी उठ के खाना नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे देखे ना आपने मसाले को बहुत अच्छा तेल छूटा था, मतलब ऑलमोस्ट पक गया था पूरा अच्छा सा जो भी मसाला ऐड किए थे वो। तो अभी ऊपर का जो पानी गर्म हुआ था परात में वो ऐड करेंगे, मतलब जितना कंसिस्टेंसी चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे और मसाला बन के रेडी है। तो अब एक साइड पे मैंने चावल भी चढ़ाई हूँ और सालन भी ऑलमोस्ट हो गया है और एक ही टाइम खाएगा ना वही हिसाब से मैंने थोड़ा सा बनाई हूँ। और मसाले में भी ऊपर से मैंने हरा धनिया डाली और ऐसा कंसिस्टेंसी रखी हूँ मैंने मसाले का। तो अभी हो गया है मगरिब का टाइम। दोपहर में मैंने कुछ शूटने की, बचे हुए सारे काम जो थे घर के मैंने की, खाना वगैरह हम लोग ने खाए। अभी सलमान जा रहे मम्मी डैडी को लाने के लिए स्टेशन और चाय पकाते रखी हूँ। और जैन का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मतलब वो सोया ही नहीं दोपहर में, इतना ज़्यादा खुश था ना कि वेट ही कर रहा था कभी आएंगे। और सोफे का कवर मैंने वॉश की थी वो लगाने का था, तो सलमान को बोले आप अभी फटाफट मेरी हेल्प करो क्योंकि वो सोफ़ा उठाने के लिए 2 जन तो लगते ही है, बहुत ज़्यादा हेवी है वो। तब तक यहाँ पे चाय भी बन गई थी तो अभी हम लोग पी रहे चाय। और जैन को ऐसा हो रहा है ना कि कब भी आएंगे, बस बार बार बोल रहा था मम्मा दरवाज़ा खोलो दीदी लोग आएंगे, बोले नहीं डैडू लेने जा रहे, डैडू लेकर आएंगे दादू दादी को। तो अभी जैन को सलमान बाय कर रहे, जैन बोल रहा था मैं भी आता हूँ उन लोग को लेने के लिए। और मैंने कारपेट ना बाहर सूखने डाली थी, वही मुझे टेंशन था कि मैंने एकदम एंड पे ही धोई हूँ, मतलब आने वाले उसी दिन सूखेगा नहीं सूखेगा, लेकिन सूख गया था। जैसे अभी गर्मी भी बहुत है ना, तो वैसे भी है ना ये कारपेट है ना धोते तभी बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, लेकिन अगर सूखने डालेंगे ना फटाफट उसका पानी निकल जाता है और कारपेट सूख जाता है। तो अभी मम्मी डैडी का वेट करते करते ना जैन बेचारा सो गया था 9 बजे, तो मैंने भी बोला सोया है वही अच्छा है, वो लोग आएंगे तो थोड़ा सा फ्रेश रहेगा।
तो अभी है ना मैं आपके साथ एकदम झटपट बघार के चावल कैसे बनाते हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाला एक साइड गरम होने रखी हूँ और अभी जो बघार के चावल बनाने हैं ना उसमें कुछ गरम मसाले डालूंगी, 3-4 काली मिर्ची, एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा शाह जीरा, एक छोटी इलायची और एक चक्रीफुल। तो इसमें ना एकदम छोटी साइज़ का कांदा मैं कट करके ले रही हूँ, बारीक, मतलब ऐसा लंबा लंबा। अभी उसको अच्छे से अलग अलग करके लेंगे। और ये बड़ा वाला टो फाइनली मैंने आज निकाली यूज़ करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे बर्तन है, मतलब है ना सब कुछ लेके रखा है, अभी तक तो यूज़ में नहीं आया था, तो आज ये वाला टोप यूज़ करने निकाली, नया नया कितना अच्छा लग रहा है ना। तो टोप में ना मैंने थोड़ा सा तेल भी लियू, थोड़ा सा घी भी लियू, सारा गरम मसाला मैंने डाली और उसके बाद कांदा डाल के है ना पूरा उसको ब्राउन नहीं करना है, मतलब हल्का साइड से गोल्डन होने लगा ना तो उसमें फिर पानी डालने का, जितना अपना चावल है वो हिसाब से पानी डाल के फिर नमक डाल के पानी को अच्छा बॉईल आने देने का। अगर अभी पुलाव पत्ती रहती ना तो बहुत अच्छा, मतलब और अच्छी खुशबू आई हो, मेरे पास झाड़ नहीं है पुलाव पत्ती का। तो यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है चावल का, तब तक यहाँ पे मैं गरम गरम रोटियाँ बना के ले रही हूँ। बस कुछ ही टाइम में वो लोग आ जाएंगे, सलमान ने फ़ोन किए थे कि मैं उन लोगों को मिला हूँ स्टेशन पे, अभी हम लोग निकल रहे। तो यहाँ पे हमारे घर से ना 1 से 1.5 घंटा लगता है गाड़ी से, और बैंगलोर का तो ट्रैफिक पता रहेगा सबको कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। तो खैर यहाँ पे मेरी रोटियाँ बना के हो गई और चावल भी, चावल का भी पानी सूख गया है तो अभी मैं उसको दम पे दूंगी। और नीचे मैंने दम पे देने के लिए एक थाली की हूँ, मतलब अच्छी वाली थाली की हूँ, पतली वाली, तो वही मैं चावल को दम पे देने के लिए यूज़ करती हूँ। तो अभी चावल दे दिए दम पे, तो अभी ना एक साइड में दूध गरम करके ले रही हूँ मैं। मैंने सोचा अगर बच्चे वगैरह पियेंगे ना, तो मैंने सुबह से गरम नहीं की, मैंने ऐसे ही टाइम पे गरम की कि हल्का गरम भी रहेगा, किसी को पीना रहेगा तो पी सकते हैं। तो यहाँ पे देखो चावल भी दम पे आ गया और एकदम पानी वगैरह एकदम परफेक्ट हुआ था। मैं मेजरमेंट से वगैरह बिल्कुल नहीं डालती, मैं अंदाज से ही डालती हूँ, लेकिन अभी हाथ बैठ गया है ना तो परफेक्ट बन जाता है। और चावल बहुत अच्छे बने थे, मतलब एकदम खिले खिले। तो यहाँ पे जैन ने क्या किया है ना, सारे स्पाइडरमैन वगैरह सजा के रखा है, बोलता है मम्मा वो लोग आएंगे ना, इसके लिए मैंने उन लोग को भी खड़ा किया हूँ उसका कुछ अलग ही चालू है। और मैंने ना गरम पानी भी निकाल के रखी, मैंने बोला मोहम्मद हुसैन वगैरह आने के बाद नहाएगा, पूरा एक दिन ट्रेन का सफ़र है, तो बच्चों को जैसे आने के साथ तुरंत नहलाना वगैरह पड़ता है, इसके लिए मैंने पानी भी निकाल के रखी और फाइनली वो लोग आ गए। देखा भी नहीं, देखो तो क्या है, ऐसा देखो बोले मेरे जैन के लिए लेके जा। अरे थैंक यू, अरे दीदी लोग ने आपके लिए चॉकलेट लाए ना, दीदी को बैग लेती हूँ।
मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हुसैन देखता ही नहीं वो हाँ उस पे पाँव रख के दीदी बोलो जैन दीदी बोलो ठीक है जबी कौन सी खाना कैसा बना है थैंक यू तो ये था आज का वीडियो। मैंने बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं किया, मम्मी डैडी आए उसके बाद मैंने सारा रॉ ही रखी थी। तो आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा, बिना भूले माशाल्लाह बोलो और इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। और मैंने बहुत लोगों के कमेंट को रिप्लाई नहीं किया, इंशाल्लाह मेरे को टाइम मिलेगा तभी मैं पक्का करूँगी। आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे फैमिली मेम्बर ही मेरे साथ बात कर रहे। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।